नमस्कार, आज का वीडियो है कर्सर से रिलेटेड, जिसमें हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कर्सर में जो आपको एक्स और वाई एक्सेस दिखते हैं, जिसे हम क्रॉस हेयर बोलते हैं, उसकी साइज कैसे कम ज्यादा करें। सेकंड थिंग, हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं तब ऑटो स्नैप मार्कर की साइज होती है जो हमको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, उसकी साइज कम ज्यादा कैसे करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन के लिए जो व्हाइट कलर का हमें बॉक्स दिखाई देता है, उसकी साइज कैसे कम ज्यादा करें। फोर्थ पॉइंट है जो हमारे लाइन्स ऑब्जेक्ट जितने भी पॉली लाइन या सर्कल जो भी वजह से जिन पे वो ब्लू कलर का ग्रिप आता है जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी साइज और कलर कैसे चेंज करें, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो स्वागत आपका अपने यूट्यूब के चैनल कैट टू करेक्ट में। तो देखिए, ये एक ऑटो कैड है, मैंने ऑटो कैड खेला हुआ है। यहाँ पे मेरा कर्सर का साइज देख सकते हैं, कर्सर का ये साइज है। इसको हम किसी तरीके से डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे सेट करते हैं वो हम देखेंगे। कर्सर की सेटिंग मोस्टली हमें ऑप्शंस में मिलती है। ऑप्शंस के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ, आप कमांड दे सकते हैं ओपी इंटर करके आप ओपी इनपुट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन एक विंडो ओपन हो जाएगी ऑप्शंस की, उसमें भी कर सकते हैं। या आप यहाँ पे ऑटो कट के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, आप उस पर भी जाके कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में आपको आता है क्रॉस हेयर साइज। ये क्रॉस हेयर साइज जो आपका कर्सर का जो क्रॉस हेयर है एक्स और वाई एक्सिस जो डिस्प्ले होता है उसकी साइजेस है। यहाँ पे एक सेटिंग है जो इसकी साइज है, जैसे कि अभी मैं इसको कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 20 और ओके करता हूँ। ये मेरे कर्सर की साइज छोटी हो गई। अगर मुझे इसे बड़ा करना है तो मैं वापस सेम कमांड ओपे इंटर, इसमें मैं अगर इसको 100 कर सकता हूँ, आप देखोगे ये एंड टू एंड कर्सर हो गया। सेम दूसरी सेटिंग होती है आपकी, यहाँ पे आप जाएंगे ऑप्शन होम सेव, यहाँ पे ड्राफ्टिंग में जाएंगे, ये ऑटो स्नैप मार्कर की साइज है। ऑटो स्नैप मार्कर क्या होता है, जब हमारा स्नैप ओपन होता है उसमें वो मार्कर की साइज है, उसको कैसे उसका साइज है, उसको साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, अभी मुझे एक सर्कल जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, एसी इंटर, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है, सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट जो डिस्प्ले कर रहा है ये उसकी साइज है। अगर हम उसकी साइज बढ़ाना है तो हम ओके करेंगे, एंटर करेंगे। ओपे एंटर देने के बाद हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग में जाके इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बढ़ा दी, मैं ओके करता हूँ, अभी वापस सर्कल सी एंटर, ये देखो आप देख सकते हो ट्रायंगल की साइज, यहाँ पे देखो कॉर्नर पॉइंट की साइज। इस तरीके से हम इसकी साइज चेंज कर सकते हैं। तीसरा होता है ये सिलेक्शन साइज, यहाँ पे देख सकते हैं पिक बुक साइज, जो सिलेक्शन साइज हम सिलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे एक रेक्टेंगल जब सिलेक्शन के टाइम पे यूज़ होता है उसको हम साइज कहाँ यहाँ से आप बढ़ा सकते, जैसे कि मैंने पिक बुक साइज में से यहाँ पे इसको बढ़ा दिया। अभी आप जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं इरेज कमांड देता हूँ, ये देखो सिलेक्शन बॉक्स के आपको साइज दिख रही है, यहाँ पे बढ़ गए, मैं इरेज कमांड दूंगा, ये सिलेक्शन बॉक्स इतना बड़ा हो गया। एक ऑप्शन होता है यहाँ पे ग्रिप साइज, आप देखो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें, किसी भी ऑब्जेक्ट लाइन पॉली लाइन सर्कल को आप सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे एक ब्लू डॉट उसके एक्सिस के एंड वेंड पे जो भी दिखाई देता है उसकी साइज है, हम उसको भी यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं। ये बढ़ा दिया, अभी ओके करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करते एक्सिस के साइज बड़े हो गए। इन सब चीज़ों को सेटिंग करने के बाद इसमें एक और चीज़ है जिसको आप सेटिंग कर सकते हो, जैसे ऑटो स्नैप सेटिंग है, इसके नीचे आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे कलर्स में जाके आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्रॉस हेयर के कलर वाइट है आप उसको चेंज करना है, आपको ग्रिड के लाइन के कलर चेंज करने हैं, या आपको अभी हमने जिसका भी चेंज किया है आपका, जैसे कि आपने 2D ऑटो स्नैप मार्कर है जो ग्रीन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप इनको चेंज ना करें, आप सिर्फ अपने डिस्प्ले के रिजोल्यूशन के हिसाब से इनकी सिलेक्शन वाली जो साइज वाइज है उसे आप थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको ड्राइंग करने में आसानी हो। बाकी सब चीज़ों को आप डिफॉल्ट रखें तो आपके लिए बेटर है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक वीडियो था कर्सर का साइज को कम ज़्यादा करने के लिए, जो मोस्टली हमें बहुत सारी ड्राइंग में कभी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आने वाले ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।